हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के हैंड बैग ट्रैवल बैग बनाएंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर से पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे आप अपने पसंद से किसी भी साइज की बना सकते हैं और किसी भी डिज़ाइन की बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने मेन फैब्रिक, प्लास्टिक की बोरी और लाइनिंग लिया है और इन तीनों को एक साथ मिला के पिन से सेट कर लेंगे। इसकी लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है। इसका हम क्विल्ट बना लेंगे। आप राइस बोरी की जगह फोम सीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे पीस को भी सेम मेजरमेंट कर लेना है और इसका क्विल्ट कर लेना है। तो देखिए, क्विल्ट हो गई है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसे कट कर दिया है। अब एक पीस को हम साइड रखेंगे और यहाँ से देखिए हमें 5 इंच पर निशान लगा लेना है। और जहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगाया है उसे सीधा करके कट कर लेंगे और यहाँ पे हमें जिप लगाना है। तो ये 20 इंच की लंबी जिप लेंगे और इसके बीच में हमें इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो एक पीस को साइड रखेंगे, जिप को उल्टा करके रखेंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद जिप को अंदर की तरफ से दबाते हुए प्री स्टिच लगा लेना है। तो प्री स्टिच लग गई है। अब दूसरे पीस को भी देखिए, हमें इस तरह से अटैच कर लेना है और अब दूसरे साइड भी जिप को अंदर की तरफ दबाते हुए प्री स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, प्री स्टिच लग चुकी है, अच्छे से जिप अटैच हो गया। इसमें एक रनर लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ से 4 इंच पे और यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगा के इसको हम गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से गोलाई हो गई है। उस तरह से देखिए, दूसरे साइड इस तरह से रखेंगे और दूसरे साइड की भी गोलाई कर लेंगे और फिर सेम दूसरे पीस में भी हमें गोलाई कर लेना है ऊपर की साइड में। तो ये देखिए, दोनों पीस में गोलाई हो गई है। और अब देखिए, हमने जो जिप लगाया है उसके नीचे एक लाइनिंग के लिए फैब्रिक लगाएंगे तो ये हमारा पॉकेट बन जाएगा। तो सभी किनारों पे सिलाई लगाने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद देखिए एक पॉकेट बनाएंगे। 8x8 इंच का पीस लेंगे, इसके नीचे लाइनिंग रखेंगे, इन दोनों को अटैच कर लेंगे, किनारे में सिलाई लगा लेंगे और एक साइड में देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है, ऊपर के साइड हमने फोल्ड कर दिया है। तो जहाँ से हमने फोल्ड किया वहाँ पे सेंटर मार्क कर लेंगे, इसको हम पॉकेट बनाएंगे। तो दूसरे पीस में देखिए, ऊपर जहाँ पे हमने गोलाई दी थी उस साइड से सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर पर से नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, वहाँ पर एक सेंटर बना लेंगे और पॉकेट में जो हमने सेंटर पर निशान लगाया था उन दोनों को मिलाते हुए पिन लगा कर पहले सेट कर लेना है। और फिर देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए तीनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है तो हमारा पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, एक साइड में पॉकेट बन गई है। अब इसमें हम हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल के लिए 20 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ी 2 पट्टी ली है और इसके बीच में एक इंच की प्लास्टिक की बोरी रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके दोनों किनारे पर सिलाई लगा लेंगे तो हैंडल हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हैंडल बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जहाँ से हमने गोलाई दी थी ऊपर के साइड, वहाँ पे हमें सेंटर मार्क कर लेना है और फिर सेंटर के ऊपर से 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड में। उसके ऊपर से हैंडल को हमें अटैच करना है। तो निशान के ऊपर से हैंडल को रखेंगे और पिन लगा के पहले सेट कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप स्विफ्ट पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, हैंडल हमारा अटैच हो गया है दोनों पीस में। अब देखिए, यहाँ से हमें गोलाई का माप ले लेना है, मेजरमेंट ले लेना है जो हमने गोलाई किया था। तो ये 24 इंच आ रहा है, 24 इंच लंबा हमें जिप ले लेना है और फिर यहाँ से देखिए हमें जिप को अटैच करना है। तो जिप को उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए गोलाई में जिप को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, जिप अटैच हो गई है। अब अंदर की तरफ जिप को दबाते हुए इस तरह से इसके ऊपर से प्री स्टिच लगा लेंगे तो जिप अच्छे से पक्का हो जाएगा। और फिर अब देखिए, दूसरे पीस में हमें इस तरह से अटैच करना है। तो जहाँ से हमने गोलाई लगाई थी वहीं से जिप को लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, जिप अटैच हो गई है। अब इसके ऊपर से भी अंदर की तरफ जिप को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे तो जिप अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए, जिप लग गई है। अब इस पर हम रनर लगा लेंगे। आप इसमें एक या दो रनर लगा सकते हैं। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने के बाद देखिए, यहाँ से और यहाँ से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है और नीचे की साइड से देखिए खुला हुआ। इस तरह की कोई भी शॉपिंग कैरी बैग ले लेंगे, इसकी पाइपिंग लगाएंगे। ये काफ़ी अच्छी होती है पाइपिंग लगाने के लिए।
तो इसकी हम 1 इंच की सीधी पट्टियाँ कट कर लेंगे और इससे हम पाइपिंग लगा के फिनिश कर लेंगे दोनों साइड में। इस साइड भी पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड फिनिश हो गई है पाइपिंग लग के। अब एक और पीस लेंगे हम लाइनिंग रसबोरी मेन फैब्रिक। इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। इसका हम क्विल्ट कर लेंगे। क्विल्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए क्विल्ट हो गई है। और इसका देखिए वेस्ट का इतना मेजरमेंट कैसे लिया है, तो यहाँ से ये देखिए 20 इंच है, यहाँ पर 3 इंच और यहाँ पर 3 इंच पे दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। बीच में जितना बचेगा उतना हमें लंबाई लेना है। तो ये देखिए 14 इंच इसकी लंबाई है और इसके दूसरे साइड 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए 6 इंच पे आ रहा है, तो इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रखा है। तो इस तरह से आप बेस का मेजरमेंट निकाल सकते हैं और इस मेजरमेंट से किसी भी साइज की बैग को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने साइड में सेंटर पर निशान लगाया है और यहाँ से जो सिलाई का निशान लगा हुआ है इस तरह से मिलाते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। दूसरे साइड भी यहाँ से हमने जो सेंटर पर निशान लगाया है और साइड की सिलाई को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे और फिर पूरे में मिलाते हुए पिन लगा लेना है। सेट करते हुए पिन लगा लेने से अच्छे से ये सेट हो जाएगा। पहले हमें साइड के सेंटर को मिलाते हुए पिन लगा लेना है, उसके बाद पूरे में हमें पिन लगा के सेट कर लेना है, उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। ये देखिए सिलाई लग गई है और इसे भी हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। पाइपिंग लगा लेने से ये अच्छे से फिनिश हो जाएगी और इसमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो निकलेंगे नहीं। तो ये देखिए पाइपिंग लग के फिनिश हो गई। इसमें हमने अंदर से एक पॉकेट बनाया है और एक बाहर से पॉकेट बनाया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे इसके सभी कॉर्नर्स को अच्छी तरह से निकालते हुए। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा हैंड बैग ट्रेवल बैग बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। तो ये हमने एक ऊपर में जीपर पॉकेट बनाया है और एक अंदर की तरफ छोटा सा पॉकेट बनाया है और ये हमारा काफ़ी अच्छे साइज का हैंड बैग ट्रैवल बैग बन के रेडी हो गया। आप इसे अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं और आप चाहे तो प्लास्टिक बोरी की जगह फोम सीट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो कहीं भी जा रहे हैं तो कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। इसमें 4-5 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े इसमें आ जाएंगे और फिर किसी भी तरह से किसी भी सामान को रख सकते हैं या फिर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में बना हुआ आइडिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।